हेलो एवरीवन, अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुई है वो 29 सितंबर 2023 की है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कार्यालय अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वितीय तल बी ब्लॉक किसान मंडी भवन विभूति खंड से वैकेंसी आई है। कोई जो है एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। वेतन यहाँ पर 62,000 आप लोगों को मिलेगा। संपूर्ण जानकारी जो है हम लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे मेन वेबसाइट पर जाकर। बाकी यहाँ पर जो आप लोगों को थंबनेल में ये इमोजी पिक जो नजर आ रही है तो इसको लगाने का भी एक कारण है जो कि वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। अटल आवासीय विद्यालय रिक्रूटमेंट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर विल बी 20 अक्टूबर 2023। ये याद रखें कि 20 अक्टूबर 2023 जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है केवल TGT के टीचर्स की अलग अलग सब्जेक्ट की जो है वैकेंसी निकाली गई है। और एक और जो है विज्ञापन जो जारी हुआ है ये अलग है। और यहाँ पर जो पोस्ट है द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, लास्ट डेट आज की ही है 5 अक्टूबर 2023। बट आपके जो है काम की नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत हायर जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी एक्स डिफेंस गजेटेड ऑफिसर ये मांगी गई है। 1,05,000 सैलरी जो है यहाँ पर दी जाएगी। पोस्ट 3 निकाली गई है और 50 साल जो है यहाँ पर उम्र मांगी गई है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये आपकी जो है वो काम की है। हम लोग टीचर की जो वैकेंसी है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेस रिलीज जो है 29 सितंबर 2023 को है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हम लोग हिंदी का जो एडवर्टीजमेंट है उसे कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो है अच्छे से आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ऐसे विद्यालय जहां पर फ्री एजुकेशन दी जाएगी, जो श्रमिकों के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको जो है अच्छी से अच्छी जो है शिक्षा की सुविधा मिल सके, इसके लिए जो है विद्यालय खोले गए हैं। उक्त विद्यालयों के लिए अध्यापकों का चयन जो है वो अनुबंध के आधार पर होगा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए। ठीक है, काफ़ी जो है वैकेंसी यहाँ पर आई है। उसके बाद जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर कही गई है तो 62,000 जो है फिक्स्ड यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पब्लिक स्कूल ऑफ यूपी के जितने भी ये स्कूल हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, इसके जो भी रिटायर्ड टीचर हैं, नवोदय स्कूल भी है इसमें, इसके जितने भी रिटायर्ड टीचर हैं या फिर जिन्होंने बीच में ही अपनी सेवा छोड़ दी है, ठीक है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अधिक जो है उम्र आपकी 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है फ्रेशर एलिजिबल नहीं है, एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और उसके लिए भी जो है यहाँ पर स्कूल भी डिसाइड कर दिए गए हैं। TGT की पोस्ट है और सब्जेक्ट जो है साइंस है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल है, आर्ट क्राफ्ट TGT, म्यूजिक TGT, कंप्यूटर या GK TGT के टीचर। बाकी कंप्लीट जो है यहाँ पर नीचे दिया गया है। मेन चीज मैंने आपको बताई है हिंदी में, आप लोगों को यहाँ पर एक चीज जो लिखी है जिसके लिए जो है थंबनेल में मैंने आप लोगों के सामने जो इमोजी की पिक लगाई है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड किया है, BSTC किया है, STC, DLED वगैरह किया है, तो उनको यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा है। तद संबंध में अध्यापक पद हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के जितने भी पब्लिक स्कूल हैं इनके अध्यापक पद से सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो टीचर हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु दिनांक 31/10/2023 को 65 वर्ष से अधिक ना हो, तो ऐसे जो हैं टीचर्स यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेशर के लिए ये जो है वो सही बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको जो है बहुत ज़रूरत है अभी जॉब की, है ना, और ये जो टीचर्स हैं ये पहले से ही जो है वो जॉब करके आ गए हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत तो ऐसे स्टूडेंट को है जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, और जॉब जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको यहाँ पर जो है मौका देते तो ज़्यादा सही रहता। बाकी नीचे जो है और भी टर्म कंडीशन जो है वो दी गई हैं, जो कि आप देख लें। मेन चीज़ मैंने आप लोगों को सारी बता दी हैं, और अगर आपका सिलेक्शन होगा तो इन स्कूलों में होगा, और ये स्कूल जो है इनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, इन स्कूलों की जो भी क्वालिटी है वो भी आप जो है देख सकते हैं, क्यों जो है ये स्कूल खोले गए हैं। ठीक है, बाकी सारी डिटेल जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
इसकी मेन वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी जारी हुई है, यहीं पर आप लोगों को जो है दिखाई देगा। अटल आवासीय विद्यालय में आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए एडमिन पद के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। शिक्षक पद के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। दोनों ही एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। यदि आपको समझ में आती है, आपके काम की है, तो उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए आप लोगों को यहाँ क्लिक करना होगा। अटल आवासीय विद्यालय, ये जो विद्यालय है यहाँ पर 1 करोड़ निर्माण श्रमिकों के बच्चे भरेंगे शिक्षा की उड़ान, इस तरीके का यहाँ इसलिए लिखा गया है कि जो भी जो है श्रमिक के जो बच्चे हैं, गरीब जो बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है ये जिम्मा उठाया जा रहा है और फ्री में जो है ये एजुकेशन यहाँ पर ले पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है फॉर्म आप भरना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने ये छोटा सा फॉर्म आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप एक एक करके जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे, जैसे सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दो पोस्ट हैं, एक तो टीचर टीजीटी की है और एडमिन की है। ठीक है, तो टीचर की टीजीटी पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है सब्जेक्ट पूछेगा आपसे। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे ऑप्शन जो है वो खुलते जाएंगे। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी नई अपडेट आती हैं या फिर जितनी भी जॉब है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जितनी भी जॉब आती हैं, तो बिल्कुल मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। रेगुलर रहें आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को जॉब जो है वो मिल चुकी है और आगे भी मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।